हेलो गाइस, एपिसोड 35 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सेकंड प्रीस्ट ने धोखे से जिया गोजियान के ऊपर अपने एक सांप के थ्रू अटैक कर देता है, जो कि जिया गोजियान के कांधे पे काट लेता है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था, जिया गोजियान की मर्जी से हुआ था, ताकि सेकंड प्रीस्ट समझे कि जिया गोजियान को कंट्रोल कर रहा है। और जिया गोजियान सेकंड प्रीस्ट से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ सब मेरी मर्जी से हुआ है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं शेंग जॉये ब्लू ड्रैगन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इस चीज को देखने के बाद में ब्लू ड्रैगन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ब्लू ड्रैगन इतनी बमबारी के बाद में बहुत घायल हो चुका होता है। शेंग जॉये की ऐसी मूवमेंट देखने के बाद में सेकंड प्रीस्ट शॉक्ड होते हुए कहता है, शेंग जॉये वास्तव में गॉडफादर को मारना चाहती थी। और दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान उसके बालों को पकड़े होता, मतलब बोले तो उसके सांप को पकड़े हुए कहता है, मुझे लगता है कि उसने यह भी देख लिया था कि गॉडफादर नकली था। फिर ये कहने के बाद में उसके बालों को घसीटते हुए हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, गॉडफादर मर नहीं सकता। और तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान ये कहने के साथ में ही जो उसके बाल होते हैं उस पर कुछ अपने स्पेल कास्ट करने लगता है, जिससे कि उसके जितने बाल होते हैं एक रस्सी के टाइप में बन जाते हैं। और जिया गोजियान कहता है, कुछ देर के लिए अपने बालों को मेरे को उधार दे दो। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपने स्पेल को कास्ट करता है, सीधे उसके बाल जो होते हैं आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, और साथ में जो उसके नाग होते हैं वो रो रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ बहुत गंदा हुआ। और सेकंड फिर भी चिल्ला रहा होता है, ये क्या हो रहा है। और तभी हमको दिखाते हैं शेंग जॉये अटैक करने के लिए ब्लू ड्रैगन के एकदम पास पहुंच गई होती है, और अटैक करते हुए कहती है, गॉड मेरी मदद करे, अगर मैं इस धोखेबाज को मार डालूं तो मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया होगा, तब गॉडफादर सचमुच मुझ पर भरोसा करेंगे। और दोस्तों तभी हमें दिखाया जाता है जैसे शेंग जॉये उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिया गोजियान ने जो उसके स्नेक वाले बालों को आगे बढ़ाया होता वो सीधे जाकर शेंग जॉये को जकड़ लेती है, जिसको देखने के बाद में शेंग जॉये शॉक्ड हो जाती है, मतलब ये क्या हुआ। और फिर हमको दिखाते हैं सीधे वो बाल शेंग जॉये को जकड़ने के बाद में जिया गोजियान उसको सीधे घसीट रहा होता, तभी वो चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है। और तभी दोस्तों हमें दूसरे साइड की लड़ाई दिखाई जाती है यान वुयू की, जो कि टर्टल ड्रैगन के साथ में फाइट कर रही होती है। वो अपना एक बहुत खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक बनाती है, सीधे टर्टल ड्रैगन के ऊपर स्लैश मार देती है। टर्टल ड्रैगन उसके स्लैश को झेलने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और साथ ही अपने मुंह में ऑरा कास्ट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिस अटैक को देखने के बाद में यान वुयू शॉक्ड हो जाती है। जब जिया गोजियान ये चीज देखता है कि टर्टल ड्रैगन उसके ऊपर बहुत भयानक अटैक करने वाला होता है, तभी वो कहता है, ड्रैगन इधर आओ। और सेकंड सीन में दोस्तों को दिखाते हैं जो टर्टल ड्रैगन होता है जैसे एक पप्पी होता है कि मालिक की तुरंत बात सुन लेता है, वैसे वो तुरंत रुक जाता है और वहीं पे दुम हिलाना स्टार्ट कर देता है, और दुम हिलाते हुए रोर कर रहा होता है। और दूसरी साइड में दिखाते हैं हमको जिया गोजियान ने सेकंड प्रीस्ट और शेंग जॉये दोनों को संभाले हुए होता है, तभी वो टर्टल ड्रैगन से बोलता है, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर इन दोनों का ख्याल रखना है तुमको। जिया गोजियान की ऐसी पावर को देखने के बाद में यान वुयू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वहीं खड़े हुए कहती है, जिया गोजियान कैसे इतनी आसानी से फेसलेस रिल्म के लोगों को वश में कर सकता है, वह गॉड्स को इतनी आसानी से भेजने में सक्षम था, इसीलिए जो मैंने गैस किया वो सही है। और फिर हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान सेकंड प्रीस्ट के बाल को पकड़ कर सीधे ड्रैगन टर्टल के ऊपर फेंक देता है, और उससे कहता है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। जिया गोजियान के द्वारा अपनी ऐसी हालत बनने के बाद में जो सेकंड प्रीस्ट होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और घबराते हुए कहता है, सोल की गहराई से उठा कंपन केवल पावर से कुचला नहीं गया था, बल्कि ब्लड लाइन का समर्पण था, ये हो सकता है। फिर वो घबराते हुए कहता है, शेंग प्रीस्ट वो कौन है। सेकंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद में शेंग जॉये उससे कहती है, आपने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया होगा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप। ये दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते, तभी दूसरे साइड दिखाते हैं हम, तभी सेकंड प्रीस्ट जिया गोजियान को देखते हुए कहता है, उस स्थिति में वह वास्तव में गॉड फादर है, ओ मेरे गॉड, आप सचमुच जाग गए हैं। और दूसरे साइड दिखाते हैं जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन के पास आ रहा होता है। फिर हमको जिया गोजियान को दिखाया जाता है, जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन के पास आने के बाद में थोड़ा गुस्सा होता है, और वो उससे कहता है, तुम बड़े हो चुके हो, क्या तुम वही हो, तुम्हारी नकल करने की हिम्मत कैसे हुई मेरी। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन अपने मन में सोचता है, बहुत तेज मारा है, मुझे किसने बुलाया, यहाँ कौन है। वो ये चीज सोच ही रहा होता है, तभी उतने में दिखाते हैं जिया गोजियान उसके सर पे आके बैठ जाता है। उसको ऐसे बैठते हुए देखकर ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा डर जाता है, और डरते हुए अपनी लैंग्वेज में कहता है, यादा यादा यादा, तुम कौन। और तभी हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उसके सर के पास बैठने के बाद में वो एक लेटर दिखाने लगता है, और लेटर दिखाते हुए कहता है, मेरे साथ क्या गलत है, मैं एक ह्यूमन दूत हूँ,
हे गॉड, क्या आप खुद को दिखाने में और मुझसे बात करने में आपत्ति रखते हैं? बताइए मुझे। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन घबराते हुए कहता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करता। क्या जियानग्यू, तुम्हें गलत ड्रैगन मिल गया है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, यदि आप स्वयं अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो मुझे यह करना होगा, मेरे पास वापस आ जाओ। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिया गोजियान के पावर एक्टिवेट करते ही ड्रैगन के चारों तरफ बहुत ढेर सारी लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं सेकंड प्रीस्ट इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा डरते हुए कहता है, गॉडफादर नहीं, कैंगलोंग एक ह्यूमन बॉडी में बन गया, वह एक लड़की है। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों जिया गोजियान के पावर एक्टिवेट करने के बाद में जो ड्रैगन होती है वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और दूसरी साइड हमको जिया गोजियान को दिखाते हैं। जिया गोजियान गुस्से में उसके गालों को नोच रहा होता है। तभी वो ड्रैगन घबराते हुए कहती है, अरे अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं मास्टर, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? और फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान उसके गालों को खूब नोचने के बाद में उसको छोड़ देता है। तभी वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, इसीलिए मेरे गालों को इतनी कस के मत रगड़ो, ये बहुत दर्दनाक होता है। ब्लू ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान गुस्से में उसको ड्रैगन टर्टल के पास ले आता है और लाने के बाद में सीधे ड्रैगन टर्टल के ऊपर फेंक देता है। और फेंकते हुए कहता है, ये तो जियान युक्सुन है, इस स्टार सिस्टम में सबसे बेशरम इंटरस्टेलर व्यापारी यही है, जियांग फैमिली की सबसे छोटी राजकुमारी जियांग युक्सुन, ये एक मिनट में फिर से प्रयास करेगी निकलने की। फिर दोस्तों को दिखाया जाता है जैसे ब्लू ड्रैगन वहाँ पे गिरती है, सेकंड प्रीस्ट और शेंग झाओये दोनों को दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं घबरा रहे होते हैं। तभी जिया गोजियान उससे कहता है, आप गॉड्स के वंशज हैं, गॉड फादर की पावर के लिए एक रिप्लेसमेंट खोजना चाहते हैं, तुम भी मेरी तरह कोई खोज सकती हो, इस तरह का एक डाउच कैसे पाया जाए? और फेंकने के बाद कहता है, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। ब्लू ड्रैगन जिया गोजियान को इतना गुस्से में देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए कहती है, मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों हैं? आपने मुझे इतनी तेज फेंका, मेरे दर्द हो रहा है। ब्लू ड्रैगन की ऐसी बातें सुनने के बाद में शेंग झाओये एक बार जिया गोजियान को देखती तो एक बार ब्लू ड्रैगन को देख रही होती है। तभी ब्लू ड्रैगन फिर से बोलती है, मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों हैं? मुझे नीचे गिरने में बहुत दर्द हुआ है। ब्लू ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा गुस्सा जाता है और तभी अपने सर को सहलाते हुए कहता है, या सिर्फ इतना ही है कि मैंने अपने नाम पर कुछ फर सीखा है, मैं कोई एंटन डिसाइबल नहीं हूँ, इससे डरो मत। फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान ये बात कहने के बाद में सीधे ब्लू ड्रैगन के एकदम क्लोज आ जाता है और क्लोज आने के बाद कहता है, मुझे बताओ ये सब करने के बाद में आपको क्या लाभ हुआ है? तुम मेरे नाम पर वॉर भड़काने का साहस कर रही हो, झूठ बोलने का साहस करो बस, और देखो मैं तुम्हारी कैसे खाल उधेड़ता हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन की तो एकदम हालत खराब हो चुकी होती है, उसके बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और तभी वो कहती है, ये जो हुआ वो मेरे कारण नहीं है। और तभी दोस्तों हमको दिखाते हैं ब्लू ड्रैगन तुरंत सेकंड प्रीस्ट के ऊपर उंगली उठाते हुए कहती है, ये गॉड्स के वंशज हैं जो युद्ध नहीं करते, पूरे दिन इंसान के साथ लड़ते रहे और फिर भी विजेता कोई नहीं बन सका, और फिर आपका सामना होता है। फिर हमको दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद में सेकंड प्रीच की तो हालत बुरी तरह खराब हो चुकी होती है और साथ ही साथ शेंग झाओये की भी हालत खराब हो गई होती है। सेकंड प्रीच इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके जितने भी नाग होते हैं, जितने भी सांप होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। और फिर ब्लू ड्रैगन कहती है, मैं अतीत को नहीं देख सकती और उन्हें कैंगलोंग में बदलना चाहती हूँ, उनसे मुकाबला करना चाहती हूँ। फिर कहती है, मैंने बिना किसी कारण के आपके होने का नाटक नहीं किया, लेकिन वो लोग अपनी इच्छा से कहते हैं कि मैं गॉड फादर हूँ, तो आखिरकार यह उनकी गलती है। और दूसरे साइड दोस्तों को दिखाते हैं जिया गोजियान गुस्से के मारे उसका मुंह पूरा लाल हो चुका होता है, लेकिन ब्लू ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में सेकंड प्रीस्ट बेचारा घबराते हुए कहता है, ये क्या, ये तो नाली का गंदा पानी है जिसने हमें भी अपने साथ में ले लिया। फिर दिखाते हैं दोस्तों सेकंड प्रीस्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्साते हुए कहता है, बकवास, मैं अस्वीकार करता हूँ कि मुझे बाद में पता चला आप एक नकली गॉडफादर हो सकते हैं और मुझ पर दुनिया का धोखा देने का संदेह था, लेकिन शुरुआत में हमें आप में गॉडफादर की पावर का एहसास हुआ जिस कारण से हम सच में धोखा खा गए थे। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है सेकंड प्रीस्ट ये बोलते हुए जिया गोजियान के आगे घुटने पे आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, गॉडफादर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब हमने आपको बुलाने की रस्म को शुरू किया तो मेरे को ब्लू ड्रैगन को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं थी। सेकंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान भी कहता है, ये तो तुमने सच कहा एकदम। फिर जिया गोजियान को दिखाते हैं, जिया गोजियान सबसे कहता है, ये कहा जा सकता है कि इस छोटी सी लड़की में जेल्ट लोगों के साथ घुलने मिलने की हिम्मत है, मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है जब तक इस चीज का पूरा पता नहीं लगाता। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपका एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।